हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिनीस फूड स्टेशन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिवाली स्पेशल एकदम क्विक स्नैक की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे सिर्फ 2 चम्मच ऑयल के साथ। और ये बहुत जल्दी बन जाता है और टेस्टी होने के साथ साथ ये हेल्दी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो इसके लिए हम सबसे पहले ले लेंगे गैस पर एक कढ़ाई, और यहाँ पर हम ले लेंगे इस तरह का पतला वाला पोहे का चूड़ा, ये देखिए। अब इसे हमें क्या करना है, मीडियम गैस पर हमें कढ़ाई को रखकर हल्के हाथों से इसे इस तरह से उलट पुलट कर चलाते हुए रोस्ट कर लेना है। इसे हम ऐसे ही रोस्ट करेंगे बिना किसी ऑयल के। तो रोस्ट करने से क्या होगा, ये जो चूड़ा है या जो पोहा है तो ये एकदम क्रिस्पी हो जाएगा। तो ये देखिए, अब 3 मिनट बाद हम इसे निकाल लेंगे, क्योंकि ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। इसका जो शेप था वो चेंज हो गया है। पास से मैं दिखाती हूँ आपको, ये पहले एकदम चपटा सा था और अब इस तरह से ये फोल्ड हो चुका है। इसका मतलब ये अच्छे से रोस्ट हो गया। तो इसे हम निकाल के साइड में रख देंगे, और इसी कढ़ाई में हम फिर से दूसरा जो इंग्रेडिएंट है हमारा मखाना, उसको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो ये मखाने भी कितने हेल्दी होते हैं हम सभी जानते हैं, और इन्हें भी इस तरह से हमें रोस्ट करना है। बस 2 मिनट इसमें भी लगेंगे आपको। गैस की फ्लेम को आपको मीडियम लो पर ही रखना है, हाई नहीं करना है, वरना ये जल सकते हैं। तो मखाना अगर आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह पर जो रोस्टेड चना दाल आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, उसे भी डाल सकते हैं, वो भी काफ़ी हेल्दी होती है। तो अब हम यहाँ पर ले लेंगे उसी कढ़ाई में लगभग 2 चम्मच जितना ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए हम उसमें डाल देंगे 1 टीस्पून राई के दाने या मस्टर्ड सीड्स। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे बहुत सारे करी पत्ते। तो करी पत्ता आप ज़रूर डालिए, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस चूड़े का, और करी पत्ते भी बहुत टेस्टी होते हैं अगर इस चूड़े के साथ इनको हम खाते हैं तो। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी भरकर पीनट्स। तो ये कच्ची मूँगफली है, तो इसे हमें क्या करना है, अच्छे से रोस्ट करना है, भुनना है तब तक जब तक कि हल्की सी रेड ना हो जाए या फिर एकदम क्रिस्पी ना हो जाए। इसके साथ ही हमने यहाँ पर ले लिए थे थोड़े से काजू और बादाम। तो ये जो भी चीज़ें हम इसमें डाल रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, और रोस्ट करने से ऑयल में ये एकदम क्रिस्पी भी हो जाते हैं। तो इस चूड़े के साथ इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, अब इसे भुनते हुए भी 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो हरी मिर्च डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस स्नैक में अगर आप हरी मिर्च डालकर इसे तैयार करते हैं तो उससे भी इस चूड़े का टेस्ट थोड़ा और बढ़ जाता है, थोड़ा सा ये स्पाइसी भी हो जाता है। इसके बाद हम लास्ट में डालेंगे किशमिश। किशमिश को आपको लास्ट में डालना है, वरना ये नीचे से जल जाएंगे बाकी चीज़ें भुनने तक। तो इसे आप सबसे बाद में डालिए, पहले बाकी के इंग्रेडिएंट भून लीजिए वीडियो में जैसे दिखाया गया है। अब हमने जो पोहा और मखाने को रोस्ट करके रखा था उसे डाल देंगे। साथ ही यहाँ पर मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर, और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर डाला था अमचूर पाउडर। अगर अमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, लेकिन ध्यान रखिए मिक्स करते समय आपको जोर जोर से नहीं चलाना है, वरना जो पोहा है तो चूरा ना हो जाए और टूट ना जाए, इसीलिए आपको इसे हल्के हाथों से ही मिक्स करना है इस तरह से। तो जैसे ही सभी चीज़ें मिक्स हो जाएं, हम इसमें डालेंगे एक और इंग्रेडिएंट, वो है पीसी हुई चीनी का पाउडर। तो 1 टीस्पून मैं यहाँ पर पीसी हुई चीनी का पाउडर डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, जो मिर्च का तीखापन और अमचूर पाउडर का खट्टापन है वो सभी फ्लेवर बैलेंस हो जाएंगे। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। तो बस अब गैस को हम बंद कर लेंगे और इसे हम निकाल लेंगे एक बोल में। तो ये लीजिए, तैयार है हमारा हेल्दी टेस्टी एंड क्विकली बनने वाला दिवाली स्नैक, वो भी सिर्फ 2 चम्मच ऑयल में। तो आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी, और इस रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जल्द ही मिलूंगी किसी न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय।